एवरी एवरीवन तो आप लोगों के लिए जो ए का ओरिएंटेशन जो क्लास मैंने ली थी उसमें हमने एनवायरमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे तो उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे तो ये सेकेंड लास्ट क्लास है और इसके बाद एक और क्लास आप लोगों के लिए अरेंज की गई है जिसके के अंदर जितने भी लीगल कन्वेंशन ग्लोबल लेवल पर और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जितने भी एक्ट बने गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और साथ ही साथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए वो जो है कवर किए जाएंगे उसके दो लेक्चर ना बना के एक लेक्चर बनाने का मोटो ये है कि बहुत ही चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है और साथ ही साथ एक जगह होने से याद करने का जो है आसान रहता है ठीक है तो पिछली क्लास में हमने जो है इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है उसके ऊपर या फिर उसकी डेफिनेशन से पहले जो है हमने रोक दिया था उसको तो आज से हम जो इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है अब देखिए अगर आप बात करें कि फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर मेजर पोर्शन फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हुए साथ साथ एन्वायरमेंट को भी इंकल्केट किया गया है लेकिन एनवायरमेंट <coughs> का जो पार्ट है वो आपकी ज्योग्राफी के साथ भी आ, जो है अटैच है साथ ही साथ जो है करंट अफेयर के अंदर भी अटैच होता है क्योंकि हर साल जो है जैसे कि रिसेंटली कॉप ट्वेंटी सिक्स की जो मीटिंग हुई उसके अंदर हमारे पीएम एम ने जितने भी कमेंट किए या फिर ठीक है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करंट अफेयर के साथ साथ भी एनवायरमेंट में चलती है तो वो आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ भी जो है कवर वैसे भी करनी ही होती है ठीक है ना तो बहुत सारे कन्वेंशन ऐसे हैं जो हर बार जो है लाइट में रहते ही है तो अगली क्लास में है हम उनको भी जो है एक ही जगह कवर कर देंगे ठीक है तो आप देखिए हम जो इकोसिस्टम के बारे में लास्ट क्लास क्लास में के थे अब देखिए इकोसिस्टम ये जो जिस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। या फिर अभी जहां पे के आप पढ़ रहे हैं ठीक है ना जिस भी डेस्क पे बैठ के तो उस जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सराउंडिंग एरिया जिसपे आप डिपेंडेंट है तो वो भी एक प्रकार का जो आपका एक ईको हो जाएगा ठीक है ना इको को जो है एक बेसिक यूनिट मानते हैं एनवायरमेंट की जिसको बेस में रख के ही पूरी स्टडी की जाती है ठीक है ना? तो जिस तरह से सेल की सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसी प्रकार से जो इकोसिस्टम जो है एन्वायरमेंट की जो है बेसिक यूनिट होती है ठीक है ना तो सबसे पहले ए जी टेंसली जो थे उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में जो है बात बात की और उन्होंने इको क्या होता है उसको डिफाइन किया उसके बाद जो है इकोसिस्टम को जो अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो स्टडी की जाती है वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ठीक है ना उनकी बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है उस सिस्टम के अंदर उसकी इंटरेक्शन और एक दूसरे पे क्या क्या डिपेंडेंस है उसकी स्टडी जो है इकोसिस्टम के अंदर की जाती है तो ये एक प्रकार का सिस्टम है जो ये बताता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट या फिर लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी हैं उनका एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन है और कितने दे आर जो कितने वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उसके बाद हम बात करें कि ये जो जस्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट बताती है सिस्टम की ठीक है और जिस तरह से जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हम बायोलॉजी के अंदर सेल को कंसीडर करते हैं ये एनवायरमेंट की जो है सबसे छोटी यूनिट होती है अब देखिए इसको पढ़ना क्यों जरूरी है अब इसके अंदर जो है इसके कंपोनेंट देखते हैं हम तो इसके अंदर जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं ठीक है ना सबसे पहला इसका जो कंपोनेंट है बायोटिक अब बायोटिक को क्यों पढ़ना जरूरी है अगर बायोटिक कंपोनेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो उसको इको के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते क्यों जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मून मून की बात करें या फिर हम मार्स की बात करें ठीक है तो वहां पे जो है हम इकोसिस्टम की स्टडी नहीं करते क्यों क्योंकि वहां पे बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग कंपोनेंट वहां पे नहीं है ठीक है ना जब लिविंग कंपोनेंट नहीं है तो ये समझ लीजिए कि अगर मैं किसकी स्टडी करना चाहूं या फिर कि अगर सपोज मैं खाली बस्ते की या फिर खाली बॉक्स की स्टडी करना करना चाहूं तो उसमें कुछ रिलेशन मैं जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट की अब बायोटिक जो कंपोनेंट है वो एक पूरी चेन चलाते हैं अब बायोटिक कंपोनेंट जो है सबसे पहले जो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं प्रोड्यूसर से और प्रोड्यूसर जो है एनवायरमेंट के अंदर जो है वो माने जाते हैं जहां से वो एनर्जी का फर्स्ट ट्रांसलेशन करते हैं अब एनर्जी का जो यूनिवर्सल सोर्स अभी जो है धरती पे वो क्या है वो सन है ठीक है अब सन से आने वाली सनलाइट जो है उसका जितने भी प्लांट है जिनके अंदर की क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है ना अब वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइन की प्रेजेंस में क्या करता है वो अपना फूड बनाता है जिसको कि हम जो है ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज के रूप में कंसीडर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की ये जो प्रक्रिया है जिसके अंदर की जो एनर्जी का स्टार्ट होता है सॉरी एनर्जी का फर्स्ट कन्वर्जन होता है ठीक है ना एनर्जी ने, एनर्जी को हम जानते हैं कि उसको ना तो बना सकते हैं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है तो सन की जो एनर्जी है उसमें उस रेडिय रेडिएशन एनर्जी को जो प्लांट जो है ये क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में उस उस एनर्जी को जो है फूड के रूप में कन्वर्ट करते हैं अब ये जो प्रोड्यूसर होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप या फिर क्योंकि इनके पास ये स्पेसिफिक गुण है जो सन की एनर्जी को डायरेक्टली जो है कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद अदर देन प्रोड्यूसर जितने भी जितने भी उस पर डिपेंडेंट हैं ठीक है ना जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते उनको जो है वो एनर्जी को डायरेक्टली सिंथेसिस ना कर पाएगा उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं ठीक है ना तो प्लांट से आने वाले जितनी भी प्रोडक्ट है या फिर प्लांट है ठीक है प्लांट को डायरेक्टली खाने वाले हर्बी बोरस है तो इन सबको जो है कंज्यूमर के रूप में कंसीडर किया जाता है अब कंज्यूमर भी अलग अलग प्रकार के है एक जो डायरेक्टली प्लांट फीडर है ठीक है उनको हारबी बोरस कहा जाता है कि वो जो शुद्ध शाकाहारी उनको बोलते हैं एक है कार्निवोरस जैसे कि मीट ईटर जो कि डायरेक्टली जो है प्लांट नहीं खाते जैसे कि आपने कभी लॉयन को जो है कंदबूल खाते नहीं देखा होगा ठीक है ना उसके बाद है ओमनी जैसे कि जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन ठीक है ना हम जो है सब्जियां भी खाते हैं और महफिलों के अंदर जो है मीट बटन भी खाते हैं ठीक है ना तो अब देखिए हरबी वोरस जो है जो कि डायरेक्टली प्लांट पे यू के यू डिपेंडेंट है उनको जो है प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है और उन प्राइमरी कंज्यूमर को जो भी खाता है उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर ये मुझे आपको इस वैसे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप जो है क्लास नाइन्थ से इसे पढ़ते आ रहे हो ठीक है थोड़ा बहुत ब्रीफली हम इसको क्यों क्योंकि सिलेबस में मैंशन कर रखा है ठीक है ना अब देखिए जो चेन जो है अब मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो है उसको ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और न ही उसको जो है खत्म किया जा सकता है तो ये जो एनर्जी जो चल रही है ठीक है ना प्रोड्यूसर प्रोडु, से कारण क्या कहते हैं हम जो है कंज्यूमर के ऊपर में जितने भी अलग अलग कंज्यूमर रहेंगे ठीक है ना तो एनर्जी जो फ्लो होती है उसका टेन परसेंट का एक रूल होता है ठीक है ना तो हर एक ट्रॉपिक लेवल से अगली ट्रॉपिक लेवल पर टेन परसेंट एनर्जी का जो है ट्रांसफर होता है ठीक है ना अब देखिए अगर 100 परसेंट एनर्जी प्लांट के हैं अंदर है तो वो जो अगर 10 परसेंट जाएगी तो वो 10 परसेंट जाएगी अब 10 परसेंट का 10 परसेंट वन परसेंट होता है अल्टीमेटली ये जो डिग्रेड होकर एनर्जी जो है यहाँ पे आके आके इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल ट्रस्टरी क्वार्टनरी इतने लेवल क्यों नहीं होते क्योंकि एनर्जी जो है वहां तक आते आते जो है उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती क्योंकि उसकी मात्रा बहुत घट जाती है ठीक है तो अब जितनी भी मात्रा जैसे जैसे घटती जाएगी तो उसके बाद में वो जितने भी कंज्यूम करने वाले हैं वो जितने भी कंज्यूमर है अल्टीमेटली वो डिग्रेड होंगे तो वो तो जब धरती पे जाएंगे तो धरती पे जाने के बाद जो है उनको जो है उनको डिकम्पोज किया जाता है जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने बैक्टीरिया वायरस वगैरह जितने भी है जो अल्टीमेट उसका जो है डिग्रेडेशन कर देते हैं अल्टीमेटली उसको जो है पॉलीमर को जो है मोनोमर में जो कन्वर्ट कर देते हैं अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना उसके बाद जो है, लिपिड है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद बहुत सारी जो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली जो सारे मोनोमर जो है धरती के अंदर फिर से चले आते हैं और ये जो पूरी साइकिल चलती रहती है अगर वो उसमें अगर हम कार्बन को ट्रेस करें तो वो कार्बन साइकिल कहलाती है अगर उसको अंदर हम जो है नाइट्रोजन को ट्रेस करें तो वो नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है उसके अंदर हम फास्फोरस को ट्रेस करें तो फास्फोरस साइकिल कहलाती है ये तो सब हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो ये पूरी जो साइकिल है वो इको के अंदर जो है एक पूरी साइकिल के रूप में चलती रहती है तो बायोटिक कंपोनेंट का जो है मोस्ट वाइटल रोल है और बायोटिक कंपोनेंट क्या करता है उस जो इकोसिस्टम का जो एबायोटिक कंपोनेंट है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट कि जितनी भी एक्टिविटी है उसको रिएक्ट करता है ठीक है ना एबायोटिक कंपोनेंट रिएक्ट नहीं करता बायोटिक कंपोनेंट उसको जो है रिएक्ट करता है अब एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जैसे कि बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जैसे कि टेम्परेचर हम टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड है अगर जैसे सडनली टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सी जो स्पीशीज खत्म होना शुरू होती है तो बताया ना कि जितने भी बायोटिक फैक्टर है वो एबायोटिक फैक्टर को रिएक्ट करते हैं अब जैसे कि ए बायोटिक फैक्टर की बात करिए अगर सडन टेम्परेचर बढ़ेगा ठीक है ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बायोटिक या बहुत सारे जीव मरने शुरू हो जाएंगे ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा हमारे अंदर जो अनकंफर्टेबल फील होना करना शुरू कर देंगे गर्मी बढ़ जाएगी ठीक है ना उसके बाद एटमोस्फेयर प्रेशर जैसे जैसे हम जो पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो वहां पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है ठीक है ना ऑक्सीजन की कमी होती है प्रेशर कम होता है तो अगर इंसान है जैसे जैसे पहाड़ों पर जाएगा तो धीरे धीरे उसको ऑक्सीजन लेने में जो है अल्टीमेटली रिएक्ट तो जो है कौन करेगा बायोटिक फैक्टर उसको रिएक्ट करेगा उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि वॉटर है रॉक है गैस है ठीक है तो कंक्लूजन वाली बात यह है कि बायोटिक फैक्टर जो है वो क्या करता है रिएक्ट करता है ठीक है ना क्या करता है, उसको जो रिपल्स करता है किसको करता है एबायोटिक फैक्टर को बात समाएगी तो अब देखिए एबायोटिक फैक्टर एक प्रकार से हम मोटे मोटे तौर पे माने तो वो कांस्टेंट होता है ठीक है ना एक पर्टिकुलर साइकिल चलती है जैसे कि हमारा जो नेचर में जो भी साइकिल है जैसे कि पर्टिकुलर मई जून में गर्मी आती है अप्रैल मई में गर्मी आती है बारिश होती है तो ये एक पूरी साइकिल ऐसे कैसे चलती रहती है अब बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक का एक रिदम बना हुआ है अब इंसान के द्वारा की गई जितनी भी हरकतें हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है इस एबायोटिक का जो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसके अंदर जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं ठीक है ना अब एबायोटिक

बदलाव नहीं होना चाहिए अब इंसान के द्वारा जैसे कि बहुत सारे पेड़ काटे गए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ठीक है ना तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है जो 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 एक जो एक कंट्रोल में चीजें चीजें थी ठीक है ना और उस ए, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा एक लॉन्ग टाइमिंग में या फिर एक लंबे ड्यूरेशन के अंदर उस वातावरण के अंदर कुछ चीजों को स्थिर किया गया ठीक है ना कुछ कॉन्स्टेंट या कहते हैं ना कि जिसको कैलिब्रेटेड किया गया तो एक लंबे समय के ड्यूरेशन में जिस जितना भी वेदर वगैरह जो है कैलिब्रेटेड किया गया तो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए उस एरिया का जितना भी कैलिब्रेटेड एनवायरमेंट है उसको हम बोलते हैं वहां का क्लाइमेट एक लेमैन की टर्म में हम समझ रहे हैं उस क्लाइमेट के अंदर जो है जो चीजें कांस्टेंट थी यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीजें जो होनी चाहिए थी उसके अंदर अब परिवर्तन आ रहा है तो अब जो परिवर्तन आ रहा है उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज राइट अब ये जो क्लाइमेट चेंज है अल्टीमेटली उसको रिएक्ट कौन करेगा सीधी सी बात है बायोटिक कंपोनेंट तो हम अक्सर देखते हैं कि ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इतने सारे जीव मर रहे हैं ठीक है ना इंसान के लिए भी रहना अनकंफर्टेबल आ गया देखिए एक बहुत ही चीज़ बे, बेसिक बात है कि आ, नेचर कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन बट ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव सर्वाइव विदाउट नेचर ठीक है ना तो नेचर के अंदर जो चीज कांस्टेंट थी अब वो चीजें कांस्टेंट नहीं रह रही तो क्लाइमेट के अंदर हो रहा है परिवर्तन और इस क्लाइमेट में होने वाले परिवर्तन की वजह से बहुत कुछ जो है जो चीजें नॉर्मल थी वो बदल गई हैं और उस इकोसिस्टम के अंदर जो है पूरा एक जो है क्या कहते हैं जितनी भी साइकिल जितनी भी नॉर्मल थी जो कॉन्स्टेंट थी वो चेंज आ गई और उसी की वजह से बहुत कुछ जो है परिवर्तन हो गया और साथ साथ में अल्टीमेटली जो है बहुत सारी स्पीशीज जो है खत्म होने लगी ठीक है ना और बहुत सारी स्पीशीज को अभी भी थ्रेट है तो अल्टीमेटली इसको वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे जो है इसकी जो है चिंता होने लगी और इस चिंता को जो है धीरे धीरे लोग समझने लगे कि भाई ये जो पॉल्यूशन है इंसान जो है डेवलपमेंट कर रहा है उस डेवलपमेंट के साथ साथ जो है डेस्ट्रक्शन भी हो रहा है ठीक है ना डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए मार्ग खोल रहा है ठीक है ना तो ऐसा डेवलपमेंट जो डिस्ट्रक्शन का मार्ग खोले वो अनसस्टेनेबल कहलाता है ठीक है ना तो हमने फिर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है ना इको सिस्टम वैसे ही जाना ही है मुझे तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि भाई जितना भी नेचर के अंदर हमको मिला है एटलीस्ट अगली जनरेशन को उसी फॉर्म में मिले नेचर से जो कुछ फायदा हमको मिले और हमारा डेवलपमेंट भी हो साथ साथ जो है नेचर का जो है डिस्ट्रक्शन भी ना हो ठीक है ना

अब इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि अभी जिस बैठ के रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो वो भी एक प्रकार का इको है अगर आपके पास में अगर आपके रूम में एक्वेरियम भी है ठीक छोटा सा एक्वेरियम बहुत से रूम अपने टेबल पे रखते भी है ठीक है ना तो उसके अंदर पानी की कुछ मछलियाँ भी है तो वो भी एक मछलियाँ जो बायोटिक है आप भी बायोटिक हो ठीक है ना आप जीव हो अब बायोटिक कंपोन्ड उस पानी के अंदर एक्वेरियम है एक्वेरियम के वाटर आ गया वाटर एबायोटिक है उसके साथ साथ मछलियाँ जितनी भी है वो बायोटिक तो वो भी एकको सिस्ट, सिस्टम हो गया तो इको सिस्टम जो है बहुत नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है ठीक है ना नक्ट एक्वेरियम वगैरह एक्वेरिय। जैसे कि आपने बनाया जैसे कि खेत है ठीक है ना खेत नेचर में प्रेजेंट नहीं थे वो इंसान ने उसकी जरूरतों के हिसाब से बनाया ठीक है ना एक्वेरियम है तो मैराइन इको सिस्टम तो ये दो प्रकार का होता है एक जो तो है नेचुरल ठीक है और एक होता है आर्टिफिशियल तो समझने का अलग से फंडा है नहीं तो नेचुरल वो होता है ना इकोसिस्टम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके जो मैंने फॉरेस्ट पढ़ाए थे फॉरेस्ट के बारे में जो बताया था तो उसी फंडे को ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने इस फर्ज कीजिए कि पूरी पृथ्वी जो है एक हमको समझने की बात है ठीक है ना पूरी पृथ्वी एंटायर पृथ्वी जो है एक मान के चलिए कि ये कॉन्टिनेंट है ये पूरा लैंड है ठीक है अभी के लिए समझ रहे हैं। अब ये लैंड ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं ताकि समझाने के लिए ये लैंड है और यहां से जो है ये पृथ्वी का जीरो डिग्री इक्विटोरियल है ठीक है ना इसके ऊपर पूरी ये लैंड है ठीक है तो अब देखिए ठीक है एक ये इक्विटोरियल है अब समझने के कॉन्टेक्स्ट से हम देख रहे हैं ठीक है ना ताकि वो सारे फॉरेस्ट के टाइप फिर से वहां पे इंडिया में तो मैंने आपको लिए वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वहां पे ऐसी जगह क्यों मिलते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने अपना ली थी ठीक है ना अब देखिए ये इक्विटोरियल है तो अगर हम बात करें ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है अब ध्यान से सुनिए जैसे जैसे आप साथ-साथ में इंडिया का मैप भी ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है आप लोगों सब को सबको पता है कि जो इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है ठीक है ना उस वेस्ट पार्ट के अंदर क्या है डेजर्ट है समझने का फंडा सुन चांस सुनिए ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ठीक है ना उसके ईस्ट से लेके अगर वेस्ट पे जाता हूं तो जैसे-जैसे वेस्ट में जा रहा हूं पूरी पृथ्वी को एक मान लिया तो जैसे जैसे वेस्ट में जाते हैं तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में क्या होते हैं डेजर्ट ध्यान से सुनिए अगर ये इक्विटोरियल है तो इसके जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो 23 एंड हाफ जो डिग्री है नॉर्थ एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ जो है वहां पे क्या होगा वो पूरा एरिया जो है सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ठीक है ये आपको ज्योग्राफी में वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे तो भी मैं आपको जस्ट ब्रीफ एक ब्रशअप करने के लिए बता रहा हूं तो 23 नॉर्थ एंड 23 साउथ का ये जो जो ये एरिया है वो के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ठीक है ना और मैंने आपको बताया था कि जो एरिया सम के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है वो क्या कहलाता है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है बस हम अब ट्रॉपिकल एरिया जो है वहां पे क्या होगा वहां पे जो वहां पे जो बारिश होने का जो पैटर्न है ठीक है ना वो डायरेक्टली सन के इंपैक्ट में आने की वजह से convention, टाइप का जो सिस्टम है वो होता है उसमें अगर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक जगह आ जाए ठीक है तो अगर मैं बात करूं पार्ट जो है ठीक है ना सबसे वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा वो वहां पे क्या होता है डेजर्ट होता है के अब जैसे जैसे डेजर्ट होंगे तो डेजर्ट से लेके अब जैसे आप जैसे जैसे मैं बीच की ओर आऊंगा अगर ये जीरो डिग्री जो है अगर मैं बात करूं ठीक है ना इक्विटोरियल की भी बात कर रहा हूं मैं इक्विटोर रीजन की किया ट्वेंटी अब जैसे जैसे मैं बीच में आता रहूंगा तो इसको पूरा समझ लीजिए कि अफ्रीका आइए ठीक है ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखे होंगे आप ठीक है ना तो वहां से ज्यादा समझ में आसानी रहेगी तो अफ्रीका एकमात्र वैसे आप लोगों को पता ही होगा आप लोगों ने एनसीआरटी पढ़ी होगी कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों के बीच में आता है ठीक है ना यहां पर जीरो डिग्री भी जाती है ट्वेंटी थ्री भी जाती है एंड एंड हाफ हाफ नॉर्थ भी है और थ्री हाफ जो है और जो साउथ भी है ठीक है ना ये आप लोगों ने वैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो ये पूरा जो एरिया है उसी को मैं यहाँ पे पिक्चराइज कर रहा हूं ताकि पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रकार के जो डेजर्ट है वो उनको जल्दी एक बार में समझ आ गया अब देखिए ये जो पार्ट है यहां से देखते हैं हम तो अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ठीक है ना तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अफ्रीका के जो वेस्ट के पार्ट है यहां पर भी बहुत सारे डेजर्ट है। ये, ये सारे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनें अप्लाई होती है तो वेस्ट जो होता है कॉन्टिनेंट का वो वहां पे जो डेजर्ट होते हैं अब ट्रॉपिकल की तो ये डेजर्ट हो जाए ठीक है ना अब जैसे जैसे बीच में जाऊंगा तो यहां पे भी जो है उसके अंदर क्या अफ्रीका के अंदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ठीक है ना उसके और बीच में जब आएंगे तो यहां पे जो है हाँ आप लोगों का सवाना के ग्रास है ठीक है ना अब ये ट्रॉपिकल ग्लासे, सवाना ग्लासेंड इसको हम देखते हैं तो ये किससे एसोसिएट होते हैं अल्टीमेटली ट्वेंटी थ्री ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री उससे एसोसिएट होते हैं तो जैसे जैसे मैं बीच में आऊंगा यहां पर उसके बाद और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएंगे अब ये ये अब ये ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जो जो फॉरेस्ट आएंगे है मैंने आपको बताया था कि 200 का जो नंबर है, अगर आप लोगों ने टू हंड्रेड सेंटीमीटर याद रखा है ठीक है ना ये मैं आपको जस्ट एक ब्रीफली रटवाने के लिए ठीक है ना अलोंग विद थोड़ा माइंड लगाए कि भाई याद हो जाए इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे 200 सेंटीमीटर याद है और मैंने उसके बाद बोला था कि मोर तो देल आ रहा हूं ठीक है अफ्रीका के अंदर तो ये जो पोर्शन है वहां पर अगर ये मेडागास्कर वगैरह हम आपको बताओ मैं अपने आप देखोगे तो यहां पर पे इस पैरल में पे पूरे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ठीक है अब देखिए तो यहां पे साथ साथ रेन का पैटर्न भी देखते हैं जैसे ही 200 से आगे जाएगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन आ आगे अब जैसे जैसे मैं बीच में जाऊंगा तो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस आ आगे उसके बाद और थोड़ा अंदर जाऊंगा तो सवाना सवाना के ग्रासलैंड आ जाएंगे ठीक है ना तो सवाना के जो ग्रासलैंड है वहां पर जो है आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी घास होती है बहुत ही बीच में पेड़ जो होते हैं कई कई जगह मिलते हैं लेकिन ग्रासेस बहुत हरी भरी होती है ठीक है ना तो वहां पे जितने भी चीता वगैरह जो है आप लोगों देखा होगा डिस्कवरी वगैरह देखी होगी तो जितने भी टाइगर्स वगैरह जो शिकार कर रहे होते तो हो तो सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो के क्यों क्योंकि पूरा प्रकार के जितने भी प्रकार के जो वेरिएशन है टेम्परेचर का और साथ साथ प्रेसिपिटेशन का वो एक ही जगह एक ही कॉन्टिनेंट में अगर को मिलता है तो वो कहां पे है वो अफ्रीका के अंदर है तो ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री की बात कर रहा हूं अब देखिए अब जैसे कि अब जैसे ही मैं जो है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से ऊपर जा रहा हूं अब इससे मैं ऊपर जा रहा हूं तो आप देखिए कि और 23 के अंदर इसको मैंने आपको बताया तो ट्रॉपिकल रीजन अब ट्रॉपिकल के अंदर भी जो है वार्म डेजर्ट भी प्रेजेंट है वहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है सवाना भी है ट्रॉपिकल डेसिडियस भी है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है तो एक चीज इससे क्या समझ में आई कि हमारा जो इकोसिस्टम है ठीक है ना उस इकोसिस्टम को दो मेन चीजें डिसाइड कर रही है कौन सी है पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन बात आ रही तो यहां पे वही हो रहा है तो एक जो लोकेशन है वहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है वहां पे वहां के जो है डेजर्ट चेंज हो रहे हैं और जैसे जैसे हम जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं ठीक है ना तो पूरा जो है डेजर्ट का पैटर्न सॉरी फॉरेस्ट का पैटर्न भी चेंज हो रहा है तो जो दो मेन फैक्टर है यहाँ पे जो कि प्रेस, कि इस किसी इकोसिस्टम को डिसाइड करते हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम को वो क्या है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ठीक है ना तो आप देखेंगे कि ये पूरे ट्रॉपिकल एरिया के के अंदर भी इतने अलग अलग प्रकार जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो आप लोग कि ये जो, अब जो नहीं। अगर मैं फोर्टी से बात कर रहा हूं तो फोर्टी से ऊपर और हंड्रेड से कम फोर्टी से ऊपर और हंड्रेड से सेंटीमीटर रेंज से कम की बात कर रहा हूं और मैं इक, अपने क्या कहते हैं इक्विटोरियल रीजन से जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं तो अगर आपने देखा होगा इंडिया की ही बात करें तो अगर इंडिया के अंदर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे अब नए प्रकार के डेजर्ट मिलेंगे उनको कि हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट ठीक है ना कोल्ड डेजर्ट वहां पे ठंड बढ़ती जाएगी ठीक है ना और अब हम रशिया के अंदर सब चले गए तो रशिया के अंदर आप देखोगे तो सेंट्रल

कि जैसे जैसे ध्यान से सुनिए जैसे जैसे आप ये 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 नॉर्थ है है साउथ ईस्ट है और ये वेस्ट है कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाओगे ठीक है ना तो समझ लो कि बादल जो है जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा तो बारिश का जो पानी है उसके अंदर जो वाष्प है वो जैसे जैसे दूर जाता रहेगा तो क्या होगा उसके अंदर जो है पानी की जो है वाष्प कम हो जाएगी तो वाष्प कम हो जाएगी उसकी जो नमी कम हो जाएगी तो धीरे धीरे जैसे, जैसे तो होगा हो तो मतलब हो हो उसका ईस्टर्न पार्ट बारिश ज्यादा होती है सेंटर में कम और थेट वेस्टर्न पार्ट के अंदर वहां पे बारिश बहुत कम होती है तो यहाँ पे एक, अब, अब यहाँ पे बारिश भी कम हो रही है साथ साथ जो है ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर भी जा रहे हैं ठीक है ना तो यहां पे ठंड भी बढ़ रही है और यहाँ पे डेजर्ट भी बन रहा है।, तो को है कोल्ड डेजर्ट ठीक है ना तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटेलिटी की वजह से डेजर्ट बनते हैं इसका बे, बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे जो है गोभी डेजर्ट जो है आपका चाइना के अंदर आप लोग देखोगे ठीक है ना तो वो गोभी डेजर्ट जो बना है वो इसकी वजह से बना है ठीक है ना अब उसके बाद और हम ऊपर जाएंगे ठीक है ना जैसे और और लैटिट्यूड में और ऊपर जाएंगे तो अब जो है यहां पे ठंड का इंपैक्ट होगा बारिश से वैसे ही नहीं है तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट बनते हैं उनको बोरियल बोलते हैं और उसके ऊपर जाएंगे टूट्रा और टैगा पोलर ठीक है ना तो इस प्रकार के जो में ऊपर जा रहे हैं है, तो भी मिल रहेगा उसके साथ था एल्टीट्यूड में यानी कि हम हम जैसे जैसे हिमालय के ऊपर चढ़ेंगे ठीक है ना तो एक है सुनिए एक है वर्टिकल अगर मैं जमीन से जैसे ऊपर जाऊंगा तो यहाँ जमीन से ऊपर जाते जाते भी मुझे जो है दो प्रकार की जैसे जैसे ट्रॉपिकल उसके बाद टेम्परेट उसके बाद बोरियल उसके बाद जो है टेगा और टुंड्रा और पोलर तो इस प्रकार के वन यहां पे भी मिलेंगे और अगर इसी को मैं अगर ऐसे करूंगा तो जैसे जैसे मैं इक्विटोरियल से दूर जाता जाऊंगा यहां समझिए इक्विटोरियल अगर ये है जैसे जैसे इनसे दूर जाता रहूंगा तो यहां पर भी इसी प्रकार की फॉरेस्ट का जो पैटर्न जो है फॉलो होता है ठीक है अब लेकिन हाँ लेकिन जो इक्विट इक्विटोरियल से मैं दूर जा रहा हूं तो वहां पे जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उस पैटर्न के फॉलो होने के अंदर जो है कॉन्सेप्ट एकदम से अलग है ठीक है तो तो हमने देखा कि जैसे जैसे ये इक्विटोरियल से हम लोग जो है पोलर की ओर जा रहे हैं वो भी पैटर्न और साथ ही साथ एल्टीट्यूड में भी अगर हम जो है जमीन से लेके हिमालय की जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो पैटर्न लगभग सिमिलर होता है बस डिफरेंस इसमें ये है कि जो ये इक्विटोरियल <coughs> से क्या चाहिए इक्विटोरियल से जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हम हमको ये देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी और वैरायटी और ऐड हो गई इसके अंदर जो कोल्ड डेजर्ट प्रेरीज ठीक है ना उसके बाद टेम्परेट डेसिड्यूज ये सारे पैटर्न भी इसमें अंदर हो गए इसके अंदर तो आप ये देखिए सेम चीज अगर हम देखें इसी कॉन्सेप्ट को तो अगर हम बात करें क्या ये सेम चीज जो है अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो है जितने भी फॉरेस्ट हैं ठीक है, है ना तो अगर तो पैटर्न जो है, तो है वहां पर हमको देखने को मिलता है ठीक है ना अब बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ठीक है ना जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और हर साल जो है उसके अंदर कुछ मैंने आपको बताया भी था ओरिएंटेशन के अंदर कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स जो रहती हैं वो थोड़ी जो है फॉरेस्ट्री के एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछी जाती हैं ठीक है ना तो आप थोड़ा इन टर्म्स को देख लेते हैं सबसे पहली टर्म जो है वो हम देखते हैं इकोटोन उसके बाद जो है एज इफेक्ट एज स्पीशीज नीच बहुत से लोग इसको निके भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको नीच भी बोलते हैं ठीक है ना उसके बाद की स्टोन स्पीशीज उसके बाद जो है फ्लेक्सी स्पीशीज और इको टाइप और स्पीशिएशन ठीक है ना तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं आप लोगों ने पढ़ रखी होगी भले ब्रीफली मैं आपको ब्रेशअप कर दूंगा ठीक है ना सबसे पहले हम देखते हैं इकोटोन अब देखिए इकोटोन जो है इसको अगर मोटे मोटे तौर पर समझे तो कोई दो जगह अलग-अलग वातावरण या फिर अलग-अलग इकोसिस्टम अलग अलग जहाँ पे आगे मर्ज होते हैं, तो वो जो जहाँ पे वो मर्ज होने वाला जो इकोसिस्टम है, ठीक है ना? सपोज कि ये इकोसिस्टम वन है और ये इकोसिस्टम टू है, ठीक है ना? ये पेन जो है टेक्निकल सॉरी आपको कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, तो ये जो इकोसिस्टम सिस्टम वन और इकोसिस्टम सिस्टम टू जहां पे मर्ज हो रहे हैं तो ये जो इकोसिस्टम नया बन रहा है इसको हम बोलते हैं इकोटोन और ये इकोटोन है उसकी विशेषता ये होती है इस जोन के अंदर इस इकोसिस्टम वन और इस इकोसिस्टम वन से भी ज्यादा डायवर्सिटी जो है यहाँ पे प्लांट और स्पीशीज की मिलती है ठीक है ना क्यों क्योंकि ये इकोसिस्टम के जितनी भी स्पीशीज है वो रैंडमली रैंडमली इस एरिया में जाएगी ठीक है ना और आने वाली जितनी भी एडेप्टेड स्पीशीज है यहाँ पे आके और ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी और ज्यादा उनको एडेप्टेशन मिलेगा और और ज्यादा जो है एडवांस हो जाएगी तो इकोटोन वो एरिया है जहां पे दो इको आके जो है मर्ज होते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है ना अब यही क्वेश्चन बताने के लिए मैंने आपको जो है इकोटोन के बारे में बताया था क्वेश्चन था कि इकोटोन इज द एरिया वेयर ओनली टू इको मर्ज ठीक है टू तो ओनली तो गलत हो जाएगा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं ठीक है ना मान लीजिए कि अगर ये दो इकोसिस्टम और यहां पे जो है यहां पे जो है जस्ट ये समुद्र होता ठीक है ना तो वो भी तो मर्ज करता तो पॉपुलटेड इको तो मोर देन टू इकोसिस्टम भी मर्ज हो सकते हैं इकोटोन के अंदर ठीक है ना अब हम देखते हैं एज इफेक्ट एज इफेक्ट के अंदर का जो उसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो इको सिस्टम जहां पे मर्ज होते हैं तो इको सिस्टम जहां पे मर्ज होते हैं उस इकोटोन वाले एरिया के अंदर उसके पा, अंदर पाई जाने वाली जितनी भी स्पीशीज है वो वहां का स्पेसिफिक एडप्टेशन लेती है और ज्यादा एडवांस होती है ठीक है ना एक, एक प्रकार से मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं कि अगर ये एक इकोसिस्टम है मुझे लगा मुझे प्लान को नहीं लेना पड़ेगा तो अगर मैं ऐसा मान के कि ये चलू की टू है तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे ये नया इको सिस्टम जो बन रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे एक नई प्रकार की ज्यादा एडेप्टेड एडव, और मोर एडवांस स्पीसीज वहां पर जो ग्रो हाँ होती है तो इस प्रकार के इफेक्ट को क्या बोलते हैं इकोटोन सॉरी एज इफेक्ट एक एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इकोटोन के अंदर ग्रो होने वाली स्पीसीज का ज्यादा एडवांस या फिर ज्यादा एडेप्ट होना इस प्रकार की इंपैक्ट को बोलते हैं ठीक है कभी-कभी जो बहुत ज़्यादा कर देती ठीक है, है ना अब एज एज स्पीशीज तो फिर सीधी सी बात है तो वो इकोटोन के एरिया के अंदर रहने वाली जितनी भी स्पीसीज उनका जो एडेप्टेशन है उनको बोलेंगे एज स्पीशीज ठीक है ना <coughs> तो अगर ये इको सिस्टम वन है और ये टू है तो इसके अंदर मिलने वाली ये जो एरिया है उसको हम बोलेंगे इकोटोन इस एरिया के अंदर ज़्यादा एडप्टेशन मिलेगा उसको बोलेंगे एज इफेक्ट और इसके अंदर मिलने वाली स्पीशीज जो है उसको बोलेंगे एज स्पीशीज ठीक है अगला है इकोलॉजिकल नीच देखिए इकोलॉजिकल नीच अभी इकोलॉजिकल निक है तो जब मैंने पहली बार जब समझा था इसको और तो जब ज़्यादा मुझे इसके अंदर डाउट होते थे तो एक एग्जाम्पल से इसको जब मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की ठीक है तो ज़्यादा मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया और अब तक वही है आप इसको इस तरह से याद रखिए कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो आपको नहीं समझने में जो है समस्या नहीं आएगी एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती इसको कैसे रिलेट करें सपोज कि आप एक हॉस्पिटल की बात करें कि अगर हॉस्पिटल में एक ही फील्ड के दो डॉक्टर होंगे जैसे ये अगर दो सर्जन हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं उनको ईगो टकराएगा अगर वहां पे जो है दो फिजिशियन है तो कहीं ना कहीं उनको ईगो टकराएगा वहां पे क्लैशेस बढ़ेंगे ठीक है उसके बाद वहां पे अगर सपोज जो है अगर अलग अलग क्या कहते हैं अगर डेंटिस्ट है वहां पर तो उनका जो ईगो और ये सब टकराएगा क्यों क्योंकि अगर एक ईको एक है और उसके अंदर एक प्रकार की जो स्पीशीज होती है ऐसा सुनिए फिर से कि एक मियान में दो तलवार अगर एक तलवार की बात करूं करूँ तलवार जो है आप मियान के अंदर उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है मियान की ठीक है ना तो मियान में एक तलवार रहती है सुरक्षित रहती है और अपना जितना भी काम निपटा के वापस वहीं पर आ जाती है उसी प्रकार से एक हॉस्पिटल के अंदर अगर एक डॉक्टर है तो वो पूरी उस, उसके सपोज सब, एक सर्जन है तो वो सबसे रिलेट रहेगा ठीक है ना आपने देखा होगा कि अगर अलग अलग जितने भी फिजिशियन है तो वो भी अल्टीमेटली सर्जन से बात करते रहते हैं तो उनका अच्छा रिलेशन रहता है एक दूसरे का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो भी फंक्शनल रोल प्ले करते हैं जितनी भी स्पीशीज वो आपस में कोर्डिनेशन से करती है इसको के अंदर ले जाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी स्पीशीज होती है, जो का काम करती है।, जो है ना या फिर उनका जो निके होता है वो उनके लिए स्ट्रक्चर और फंक्शनल होता है अब इसको और बड़े लेवल पे जब जाते हैं आप लोगों ने अक्सर ज्योग्राफी में देखा होगा कि बड़ी स्पीशीज जो कि रेगुलेट करती है जिसको की हम की स्टोन कहते हैं उनकी नंबर जो है मात्रा कम होती है ठीक है ना जंगल के अंदर शेर की संख्या को, को साथ चलता है और उस ग्रुप के अंदर जैसे कि मेल जो रहता है वो क्या करता है अपनी पूरी टेरिटरी से पूरे जंगल के अंदर वो घूम सकता है ठीक है ना लेकिन उस टेरिटरी के अंदर जो रेगुलेशन शेयर करेगा तो वो क्या करेगा उस जितना भी एरिया को वो कवर कर रहा है और दूसरा आके वहां पर जो लीड ना कर पाए उसके लिए पूरे एरिया को जो जब जब, जब जा 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 जाएगा वहां पर फिरमन सिगरेट करते जैसे कि बोला आप लोगों को देखा होगा अक्सर ये लोग पेड़ के बाद जाके यूरिन कर दे ठीक है ना उस यूरिन के अंदर जो है फेरोमोन्स भी होते हैं तो वो दूसरा शेर जो आएगा वो उसको जो है उनके स्मेल करके पता पता चल पता जाएगा कि ये जो है ऑलरेडी ऑलरेडीपाइड जो टेरिटरी है ठीक है ना तो एक पूरा नीच जो होता है एक नीचे जो होता है उसके अंदर रहने वाली स्पीशीज जो है वो वहां पे अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करती है ठीक है ना आप इसको घूम फिर के अगर जाओगे तो कंफ्यूज होगा इसलिए आप इसको ऐसे याद रखना कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती ठीक है तो अब मैं इसको स्क्रीन को टच नहीं करूंगा नहीं तो पता चला कि फिर से जो है तो ना तो, तो जिस एरिया में वो एक स्पीशीज रहती है उस के जो रहती है उसके अंदर जो फंक्शनल रोल प्ले किया जाता है के द्वारा उसको निश्चय बोलते हैं और फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज इन जिसको बोलते जहां पर हम रहते हैं ठीक है ना और इसको और तरीके से कहते हैं कि हमारा जो घर है ठीक है वो हमारा हैबिटेट है और हम जब जॉब करने जिस ऑफिस में जाते हैं और क्या कहते हैं ऑफिसर को या फिर जिस, जिस भी पोस्ट में तो और वहां पे लाके वो लोग लो नहीं बिठाते हैं ठीक है ना एक ही जैसे काम को क्या कहते हैं तो क्या होगा टकराव होगा ठीक है ना तो अब यही वो बात बोलते हैं अब देखिए एक देश के अगर दो पीएम हो जाएंगे या फिर एक स्टेट के दो सीएम हो जाएंगे ठीक है ना तो अल्टीमेटली टकराव होगा इसलिए नंबर वन ही रखा जाएगा तो एक सीएम के लिए पूरा राज्य उसका निश है इसको ऐसा समझिए एक एक डीएम एक के लिए पूरा जिला उसका निश है ठीक है उसका फंक्शनल रोल है एक पीएम के लिए पूरी कंट्री उसका ठीक है थीके? एक देश में एक पीएम रहेगा एक राज्य में एक सीएम रहेगा और एक जो है स्टेट एक जिले के अंदर एक डीएम रहेगा ठीक है उसको बहुत ही हम कहते हैं ना कि अलबर्ट आइंसटैंड एक बात की है सिंपलेट सिम्प्लेसिटी जो है वो बेस्ट सोफिस्टिकेशन होता है कि अगर आपने कोई चीजें पड़ी हुई है और आप जितना उसको वातावरण से और अपने आसपास की चीज़ों से वो रिलेट कर पाए तो ज्यादा वो अच्छे समझ में आती है ठीक है ना तो इसको डेफिनेशन के थ्रू ना याद करके आपको इस तरह से करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो घुमाने की कोशिश करेगा तो आप जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे ठीक है ना अब पता चला कि आप लोग जो है निश की डेफिनेशन रट रहे हैं उसके बाद इन नेचर मैनी स्पीसी ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट मैंने आपको बताया ना कि एक पेड़ पे भी बहुत सारी अलग अलग स्पीसी रह सकती है लेकिन उनका स्पेसिफिक जो रोल है एक किसी का जैसे कि मेरा हाथ है तो हमारे हाथों का रोल पकड़ना है ग्रिप करना है लिखना है ठीक है ना तो जो काम मेरे हाथ को मिला है वो काम मेरे पैर नहीं कर सकते लेकिन मेरी बॉडी के अंदर मेरे हाथ भी है मेरे पैर भी है ठीक है ना तो सबका अलग अलग रोल है बात समझ तो एक पेड़ के अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज रह सकती है लेकिन उनको तो स्पेसिफिक टारगेट है स्पेसिफिक काम है तो एक दूसरे काम को जो है क्लैश नहीं होता है तो हैबिटेट जो होती है हैबिटाट जो नीच जो होती है उसके बाद जो है उसके बाद तो ये पूरा फंक्शनल फंक, यही है तो इसको इस इस एग्जांपल की समझते हैं देखिए एक ये पूरा पेड़ है उसके अंदर बात करें कि एक जो पेड़ के अंदर उसके टिप पे रहने वाला जितना भी मौत है उसके बाद जो ग्राउंड पे रहने वाला जो मौत है सबका अलग अलग रोल होगा भले पूरे पेड़ पे वो रह सकते हैं लेकिन अपना जो काम करने का या फिर अपना स्पेसिफिक जो प्रोडक्शन करने का जो रोल है वो एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं करते हैं वो ठीक है ना इसको और ज्यादा अच्छे से समझते हैं इस गेम को आपने समझा होगा ठीक है ना देखा होगा ये तो ये कि एक पूरा पेड़ है अब इस पेड़ के अंदर ये ये जो पक्षी है पूरे पेड़ पे रह तो सकते हैं कहीं पे भी जा सकते हैं लेकिन उनका जो रहने का बात नहीं यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर फंक्शन करने का जो एरिया वो स्पेसिफिक होता है उसके अंदर वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है ठीक है ना तो उसके निश भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है फंडामेंटल निश और दूसरा होता है रियलाइज निश ठीक है ना तो फंडामेंटल के अंदर अगर इस पेड़ को रिलेट करें तो ये पक्षी पूरे पेड़ पे कहीं पे बैठ सकते हैं लेकिन उनके एक स्पेसिफिक रोल या फिर जो कैरेक्टर या फिर जो फंक्शन उनको मिला है वो पर्टिकुलर

तो ऐसा पत्थर जो इस साइड और इस साइड में जितने भी पत्थर जुड़े हुए हैं उनको जोड़े अगर ये पत्थर यहां से मैं निकाल दूंगा तो अल्टीमेटली पूरा ढांचा गिर जाएगा ठीक है ना तो की स्टोन वो होता है जो बैलेंस करता है तो की स्टोन स्पीशीज भी वो होती है जो पूरे इकोसिस्टम को जो है मेंटेन करती है देखिए मैंने यहां पे पीपीडी के अंदर ज्यादा इसलिए नहीं लिखा गया कि ये कॉन्सेप्ट है यह आप लोगों को पता है ठीक है ना एग्जाम के अंदर इन कॉन्सेप्ट का जो है मिक्सर मैच पूछता है और बस कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है तो इसलिए यहाँ पे इनको ज्यादा मुझे डिटेल में लिखनी जरूरी नहीं थी बस एक बार कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना जरूरी है तो की स्टोन वो होता है जो पूरे इकोसिस्टम को जो है वो रेगुलेट करता है ठीक है ना अब हम बात करें कि जितना भी यूनिक रोल प्ले करता है अब देखिए इसका एग्जाम्पल से मैंने इस की स्टोन को बताया कि जो स्टार होती है ठीक है ना तो स्टार फिश क्या करती है कि पूरे जो समुद्र के अगर आप लोगों ने किनारे देखा होगा आप लोग बीच पे अगर गए होंगे थोड़ा और डीप में जब जाते हैं तो स्टार फिश क्या करती है कि बहुत सारी मौत जो ग्रो होती है उनको अल्टीमेटली खा खा के जो है पूरा कंट्रोल कर देती है अगर वो ऐसा ना कहे तो दूसरी जितनी भी स्पीश है वो सब खत्म हो जाए ठीक है, तो है उनको हाँ, सब कुछ है रेगुलेट कर देती है।, है ना ऐसे शेर जो होता है जंगल में क्या करता है, वो को भी खाता है, है ना चीतल जनसंख्या बढ़ने से एक, एक जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होती है अल्टीमेट पूरा रेगुलेशन रखती है पूरा जो है उस सिस्टम को है बैलेंस रखती है और अल्टीमेट मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान से सुनिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कभी कभी जो है पूछा जाता है कि ऑल द की स्पीशीज स्पीसीज आर कार्निवोरस, ठीक है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ऑल द की स्पीशीज स्पीसीज आर कार्निवोरस, यानी कि जितनी भी की स्टोन स्पीसीज जो है वो मांसाहारी है आंसर है नो क्यों अगर हम बात करें कि जो डुगोंग का मैंने एग्जांपल दिया था ऐसे बहुत सारे या फिर बीवर की अगर मैं आपको बताऊं कल मैंने आपको बताया था जिसको बहुत से लोग हिंदी में उद बोलते हैं इंडिया में मिलता नहीं है वो ठीक है ना तो बीवर जो है अकेला पूरा एक डैम बना देता है और पूरा उस इको को जो है वो रेगुलेट करता है ठीक है ना तो ऐसी स्पीशीज जरूरी नहीं कि स्पीशीज जो है हमेशा कार् ही वो हरबी भी होती है ठीक है ना तो ऐसा ओनली उससे जो है या फिर ऑल एक्सट्रीम कमेंट जो है गलत हो जाते हैं ठीक है ना अब है फ्लैगशिप अब फ्लैगशिप स्पीशीज की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है ना भी सेलेक्टेड टू एक्ट एज एम्बेसडर ठीक है ना अगर मुझे बात करें गिर अगर मैं आपको फॉरेस्ट की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा एशियाटिक लॉइन ठीक है ना अब उस एशियाटिक लोहंग की वजह से उस गिर फॉरेस्ट का फिर रिलेशन कर रखा है या फिर गिर फॉरेस्ट की बात करूं तो आपके अंदर जो एशियाटिक लोहंग की बात दिमाग आएंगे एशियाटिक लोइंग की बात करूंगा आपके दिमाग में जो गिर फॉरेस्ट आएगा तो एक ऐसी स्पीशीज जिसको कि पूरे इको एक एक से जोड़ दिया जाए ये डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है आप लोग बढ़ दीजिएगा पीपीडी आपको मिल जाएगी कॉन्सेप्ट समझ दिए कि एक ऐसी स्पीशीज जिसको कि एक पर्टिकुलर इको से जोड़ दिया जाता है एम्बेसडर के रूप में ठीक है ना आपके दिमाग में जैसे ही गिर फॉरेस्ट बोलूंगा तो आपके अन में आएगा एशियाटिक लोइन की आप वहीं मिलते हैं अगर एशियाटिक लोइंग की जब बात

इकोटाइप को हम देखते हैं इकोटाइप इज अ पॉपुलेशन देखिए हर जगह अगर मैं बात करूं तो हर हर जगह की पॉपुलेशन जैसे कि इंसान है ठीक है ना इंसान की बात इंसान की स्पीशीज आप लोग देखोगे कि सडनली बहुत से लोग जो है सर्दियों में जाते हैं ठीक है ना यहां से नॉर्थ में या फिर दिल्ली में या फिर अगर और रशिया वगैरह में चले जाए है तो वहां पर भी इंसान है तो लेकिन सडनली जाके पता चला बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई तो कारण क्या है है तो वो की वो स्पीसीज लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए उनका जो है एडेप्टेशन हो चुका है कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए ये सब डेफिनेशन पढ़ दे लीजिएगा तो एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसके लिए वो एडेप्टेड है तो इस प्रकार का एक ही पॉपुलेशन का अलग अलग जगह होना बट उसकी एरिया के अकॉर्डिंग उसका होना उसको बोलते बोलते हैं हैं उस गुण को इको टाइप ठीक है ना व्लादिमिर पुतिन को याद रखिएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को याद रखिएगा मोदी जी भारत के लिए एडेप्टेड है वो भी इंसान है व्लादिमिर पुतिन जो है वो भी इंसान है वो जो है रशिया के लिए एडप्टेड है ठीक है रशिया में बहुत सारी गर्मी पड़ती है साइबेरिया के वन है वहां पे दोनों जो है एक दूसरे क्या है वो टाइप है ठीक है अब देखिए यहाँ पे बात सेम स्पीच आ गया अब देखिए जैसे कि पत्तियां एक ही पेड़ की अलग पत्तिया, अलग पत्तियां अलग अलग एनवायरमेंट के लिए अलग अलग तरीके से उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है ठीक है ना आप ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से उसको व्लादिमिर पुतिन और जो है मोदी जी से याद रखिएगा दोनों जो है ह्यूमन है और दोनों पीएम है बट अपने देश के और दोनों का जो है एडेप्टेशन अपने अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है ठीक है ना सेम स्पीशीज अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग तरीके से एडेप्ट होती है ठीक है उसको बोलते हैं इकोटाइप अब स्पीशिएशन तो आप मैंने बात की स्पीशिएशन एक ऐसा प्रोसेस जो एक ही स्पीशीज से अलग अलग स्पीशीज बनना ध्यान से सुनिए बहुत से ये क्या है कि बेसिक फंडे हैं उसके अंदर मेंशन है तो उनको पता होना चाहिए स्पीशिएशन यानी कि स्पीशीज बनने का प्रोसेस स्पीशिएशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सपोज जैसे कि एक ह्यूमन की स्पीशीज है ठीक है ना ह्यूमन पॉपुलेशन है तो अब बात करें कि वी आर एडेप्टेड फॉर द ट्रॉपिकल रीजन ठीक है ना अब हमारा जो त्वचा है या फिर हमारा जितना भी एडप्टेशन है हमारे क्या कहते हैं शरीर की जो आकृति है वो हमको एक एंटायरली होने के बावजूद ह्यूमन अलग बना देती है रशियन से और फ्रेंच से ठीक है ना तो इंटरप्रिटिंग पॉसिबल है बट उसके बाद भी जो है वो हम दिख रहे हैं अलग अलग ठीक है ना तो एक ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से एक लंबे समय तक अगर आप लोग अलग रहोगे तो भी आने वाली जो जनरेशन है वो अलग स्पीशीज बन जाएगी है ह्यूमन की स्पीशीज ठीक है उसके बाद हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इसको क्या कहते हैं हम जो है पेड़ों से या फिर हम जो है पक्षियों से हम बात करेंगे डार्विन की फिंचेज अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी ठीक है ना ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन ने पूरा जो स्पीशिएशन पे जो है पूरा रिसर्च किया था ठीक है ना दोगुला थोड़ा अगर हम बायोलॉजी में ज्यादा डिटेल में गए होंगे आप लोग तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन जो है उसने देखा कि कितना जो है पूरा एक ही प्रकार की फिंच जो है वो अलग अलग आ, क्या कहते हैं आइलैंड पे जाके उनका एडप्टेशन अलग अलग हो गया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंटरप्रिटिंग कर सकती थी बट उनकी जो पूरी शरीर की मॉर्फोलॉजी वगैरह सब कुछ जो है चेंज होगी तो क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एक ज्योग्राफी अगर एक उन दोनों को बहुत देर तक दूर रखें ठीक है ना एक बहुत समय तक पूरी तो वहां पे क्या होता है एक स्पीसीज जो है नई प्रकार की बनना शुरू हो जाती है एक आम भाषा में समझ रहे हैं क्योंकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं ठीक है तो उसको ज्यादा डिटेल में समझते हैं कि सपोज लीजिए ये, ये जो है दो प्रकार की अगर हम बात करें अगर दो प्रकार की अगर चीतल है तो अगर नदी से सेपरेट हो गए और वो बहुत दूर बहुत देर तक मिल नहीं पा रहे हैं तो अगर इस तरफ जो रहेंगे और उस तरफ जो रहेंगे तो इस प्रकार का स्पीशिएशन इनको सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक बोलते हैं वो भी

ठीक है ना जो प्रोड्यूसर होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर उसके बाद डिकम्पोजर तो जो प्रोड्यूस कर, कर रहे हैं और जो डिकम्पोज कर रहे हो दोनों का बहुत वाइटर रोल है ठीक है ना अगर वो साइकिल जो बनेगी तो याद सुनिए जो साइकिल साइकिल जो बनेगी वो डिकम्पोजर अगर नहीं होगा तो साइकिल नहीं बन पाएगी अगला है एनर्जी का फ्लो तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का फ्लो यानी कि एनर्जी जो है डिस्ट्रक्शन तो होता नहीं उनका लेकिन सन की जो एनर्जी है वो पूरी साइकिल में चलती है ठीक है उसके बाद ये न्यूट्रेन साइकिल अगर उसको हम कार्बन को ट्रेस करें कार्बन साइकिल को नाइट्रोजन को ट्रेस करें नाइट्रोजन साइकिल तो अलग अलग न्यूट्रेन को ट्रेस करते हैं तो अलग अलग साइकिल बन जाती है ठीक है अब इसके अंदर जो है एनर्जी का जो फ्लो है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक पूछा जाता है कि जो एनर्जी का फ्लो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है हाँ, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और जैसे जैसे एनर्जी आगे का एनर्जी का फ्लो एक से अगले स्टेप पर जाता है अलग अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाता है तो उसका जो स्तर कम हो जाता है ये बेसिक फंडा है और क्योंकि हम लोगों ने ये अलग से पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है तो फ्लो ऑफ द एनर्जी क्या होगी हर स्टेप हर ट्रॉपिक लेवल पे जो है फ्लो एनर्जी का फ्लो जो है यूनी डायरेक्शनल रहेगा और एनर्जी का जो स्तर है वो कम हो जाएगा ठीक है टेन परसेंट का जरूर है तो फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज यूनीशनल ठीक है ना अब ट्रॉपिक लेवल देखते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि प्रोड्यूसर अब ट्रॉपिक लेवल हम भी देख लेंगे प्रोड्यूसर सबसे पहले सन की जो एनर्जी है उसको क्या करेंगे तो फोटो सिंथेसिस करेंगे और उसके बाद जो उस एनर्जी को जो है अपने और स्टोर करेंगे उसके बाद हरवी बोरस उसको खाएंगे या फिर डायरेक्टली तो इस प्रकार से उस एनर्जी का जो फ्लो होगा तो हर स्तर पर जो एनर्जी जो जाएगी उस स्तर को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं ठीक है तो एक बेसिक फंडा हमने समझ लिया अब यहाँ पे जो मेन समझने की जो चीज है वो यही है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो हर लेवल पे ड्रॉप होती है हर लेवल पे कम होती है ठीक है ना और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ड्रॉप होने का रीजन है रेस्पिरेशन अब देखिए अगर मैं बात करूं कि एक एक सिंपल साइकिल देखें कि अगर सन से मिलने वाले जो एनर्जी है उसको अगर प्रोड्यूसर जो है वो फोटोसिंथेसिस करें और उसको जो है <coughs> उसके बाद उस एनर्जी को जो है अगले लेवल पे अगर ट्रांसफर कर दे ठीक है ना तो एक नॉर्मल साइकिल चल रही है कि भाई अगर प्लांट को जो है इस ग्रास ऊपर ने खा लिया उसके बाद इस को फ्रॉग ने खा लिया उस फ्रॉग को जो है उसके अंदर जो है उसको सांप ने खा लिया उसके जो है उसके बाद गिद्ध उसको ले गया और अल्टीमेटली ये मरा तो उसको डिकम्पोज हो गया ऐसा होता नहीं है ठीक है ना इसको फूड चेन बोलते हैं बट नेचर में कुछ भी प्रकार की फूड चेन होती नहीं है आपने ऐसा तो देखा नहीं कि शेर हमेशा जो है चीतल को खा रहा है ठीक है ना शेर जो है भैंस को भी खा रहा है या फिर जो अलग अलग प्रकार का खाना होता है तो इस प्रकार से जितनी भी चैन है वो आपस में मर्ज होती है ठीक है ना तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होती है मर्ज होती है तो वो जो फूड चेन जो कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं फूड वेब वेब का मतलब बहुत सारी जालियां ठीक है ना तो एक बेसिक फंडा था ये कि फूड चेन और फूड वेब तो क्या नेचर में सिर्फ फूड चेन प्रेजेंट होती है नहीं नेचर के अंदर जो है फूड वेब प्रेजेंट होती है फूड चेन करके एक एक समझने के लिए हमने एक बेसिक यूनिट को समझने के लिए फूड चेन की कल्पना की गई नेचर में कोई भी फूड चेन नहीं होती है ठीक है ना अब है एक बायो एक्यूमुलेशन अब देखिए एक्यूमुलेट होना बहुत सिंपल चीज है बायो एक्यूमुलेशन यानी कि ऐसी कोई चीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बायोलॉजी यानी लाइफ के अंदर बहुत सिंपल चीज है लाइफ के अंदर कोई चीजें एक्यूमलेट हो रही है ठीक है ना यानी कि लाइफ ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चीज हो रही है ठीक है ना तो इसको इट रेफर टू हाउ पोल्यूटेंट अब ध्यान से सुनिए इसका कॉन्टेक्स्ट है वो पॉल्यूटेंट के अंदर अब लाइफ के चीज के को अंदर कोई एक्यूमेट नेचर ने जो कुछ चीजें आपको दी है ठीक है ना ध्यान से सुनिए नेचर ने जो कुछ चीजें आपको दी है या फिर इंसान को दी है वो परफेक्ट फॉर्म में दी रखी होती है अब हम अगर हम बात करें कि अगर हम लोग काम ना करें ज़्यादा ठीक है ना अपनी फिजिकल एक्टिविटी ना करें और खाते रहें तो सीधी सी बात है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी एक्यूबुलट हो जाएंगे फैट एक्वेलेट हो जाएगा बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे ठीक है ना अब यहाँ पे एक्यूबलेन क्या हुआ है ये भी एक प्रकार से फैट क्या है पॉल्यूटेंट ही है एक प्रकार से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जरूरत नहीं है ओवर एक्सेस में फैट तो फैट की जरूरत बॉडी को है लेकिन ज़्यादा फैट क्या करेगा वो पॉल्यूटेंट का का काम करेगा इसी प्रकार से जिस चीज़ की बॉडी को आवश्यकता नहीं है और वो बॉडी में आ रही है और जो है पास ऑन नहीं हो रही है बायलो ठीक है ना सेल के अंदर से वहाँ पे एक्यूमलेट हो रही है पॉल्यूटेंट जो है और अक्सर जो ऐसे पॉल्यूटेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर एक एक्यूमलेट एक इसलिए होते हैं कि वो जो है लिपिड सॉल्युबल होते हैं ध्यान से सुनिए ये फिर से बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट जो है बॉडी में एक्यूमलेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं यानी कि वो क्या करते हैं हमारी जो सेल है उसके लिपिड से रिएक्ट करके वहाँ पर अटैच हो जाते हैं ठीक है ना अगर जो है हाइड्रो हाइड्रोफिलिक होते हैं तो चले भी जाते हैं ठीक है पानी इसके अंदर से एक्सरीशि में लेकिन हाइड्रोफिलिक नहीं हाइड्रोफोबिक होते हैं तो वो लिपिड से जो है अटैच तो हो जाते हैं तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ठीक है थीके? ना तो ये क्या करते हैं अब जैसे जैसे एक्यूमुलेट होंगे तो बायो एक्यूमिलेशन अब सब मान के चलिए कि एक जो है क्या कहते हैं एक ग्रास ओबर है या फिर एक चीतल है ठीक है ना ये डियर है उसकी बॉडी के अंदर कुछ पॉलिटेंट एक्क्यूमलेट हो गया अब एक्यूमिलट हो गया यानी कि वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो बॉडी में रहेगा अब उसको सपोज शेर खाता है या फिर कोई दूसरा प्राणी उसको खा रहा है तो सीधी सी बात है लिपिड सोल्यूबल है वो मास्क खा रहा है तो सीधी सी बात है वही एक्यूमलेटेड उसकी बॉडी में आएगी अब ध्यान से सुनिए जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा ये तो क्या होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी क्या क्या होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ती रहेगी अब ये बेसिक फंडा है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ा टर्म ये एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन क्यों होगा क्योंकि जो पॉल्यूटन लिपिड सोल्यूबल होते हैं अब जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा उसका अंदर क्या होगा उसका पर कैपिटा या फिर बॉडी की साइज के अकॉर्डिंग उसका जो है घनत्व बढ़ता रहेगा तो इसको बोलते हैं हर स्टेट पे उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन ठीक है एक बेसिक फंडा है कंफ्यूज और क्यों क्योंकि आप लोग अगर पिछली बार आर एफ का एग्जाम देखोगे उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था ठीक है ना इसलिए मैंने इसको कर दिया

No. <coughs> तो कॉन्सेंट्रेशन जो है धीरे धीरे सेल के अंदर जो बढ़ती जाती है अब देखते हैं बायो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी वही है सीधी सी बात है ऐसी जितने भी पॉल्यूटेंट जो कि लिपिड सोल्यूबल है एक लाइफ के अंदर घुस रहे हैं और वहां पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं क्यों क्योंकि वो पॉल्यूटेंट जो है लिपिड सोल्यूबल होते हैं और उसकी मात्रा एक ही जीव के अंदर बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि डी का अगर हम एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो डीडी डी डी, जो, डी, -डी जो हम जो है खेत में यूज करते हैं तो एक ऐसा समय आया था जब जो है इंसान के शरीर में भी डी मिलना शुरू हो गया था ठीक है ना तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया बढ़ता गया तो जैसे वो अगर वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप लोग जो है जो कार्वर जो होते हैं प्राणी ठीक है ना तो उनकी शरीर के अंदर वो जो मांस आता रहता है ठीक है तो अब है बायोमैगनिफिकेशन तो मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा उसका कंसंट्रेशन का लेवल जो है भले ही उसके शरीर का आकार कम हो लेकिन उसकी कंसंट्रेशन पार्टिकुलर जितना भी जो है पॉल्यूटेंट है उसका मात्रा कंसंट्रेशन के पर बॉडी की साइज के बढ़ जाएगी बस ये सिंपल सी चीज है मैग्निफिकेशन मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना बस यही चीजें थी ठीक है ना तो ये अच्छा उसके अंदर जैसे कि हम बात करें कि क्या कारण है ठीक है ना तो ध्यान से सुनिए वो कारण जो पूछा था वो ये था कि क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ये हाइड्रोफिलिक होते हैं नहीं हाइड्रोफोबिक होते हैं ठीक है ना तो हाइड्रोफोबिक जो होंगे उसका जब हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो फैट सोल्यूबल होंगे और जो फैट सोल्यूबल होंगे तो वो बॉडी के अंदर ऐसे कैसे पड़े रहेंगे ठीक है ना तो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूटेंट होते, होते हैं फिर से बता रहा हूं जो पॉल्यूटेंट लिपिड सोल्यूबल होते हैं वही एक्यूमलेट होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होते वो डायरेक्टली नुकसान कर सकते हैं लेकिन बाय बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट वो नहीं होंगे ठीक है अब मैं एक नया फंडा आपको बता रहा हूं ठीक है ना जिसको हम बोलते हैं सक्सेशन ठीक है ना आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है फटाफट से कवर करने की या फिर कॉम्प्रसिवली कॉन्सेप्ट को कवर करने में ज्यादा जो है तवज्जो दी है ठीक है तो अब देखिए एक अगर पृथ्वी की बात करूं एक, एक कोरी जगह है ठीक है ना एक एक अभी बहुत सपोज की पृथ्वी बनी है ठीक है ना एक कोरी जगह है तो आप लोगों ने देखा होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां पर जो है ग्रीनरी आ जाती है ठीक है ना एक अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में सरकाजम देखे तो एक जो है हरी भरी जगह है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां जंगल कट जाते हैं वो बस्तियां बस जाती हैं ये भी है है ठीक इससे तो लेकिन नुकसान होता है लेकिन जब नेचर जब सक्सेशन करती है तो सक्सेशन का मतलब ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी जगह में या फिर किसी प्लेस पे जितनी भी कम्युनिटी आती है और जाती है और वहां के एनवायरमेंट के अनुसार ढलती है एडप्ट होती है और उस एनवायरमेंट को एंटायरली बदल देती है ठीक है ना तो अगर हम बात करें कि एक बेयर लैंड है ठीक है ना जहां पे बेयर रॉक है जिसके अंदर कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले वहां पे लाइकेन आएगी लाइकेन जो है कि क्या करेगी वहां पे जो है वो एसिड सिगरेट करेगी ये रॉक है उसके अंदर जैसी एसिड जाएगा तो एसिड जाने की वजह से रॉक मैंने आपको बताया था देखिए रॉक सिस्टम मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था रॉक सिस्टम मैंने आपको बढ़ाया था इंडिया के अंदर अलग अलग रॉक है उसको यहाँ से रिलेट कर रहे हैं तो जैसे जैसे रॉक के अंदर जो है लाइकिन जाएगी एसिड की वजह से वो रॉक टूटेगी उसके अंदर से मिनरल सीक्रेट होंगे वहाँ से जो है मिट्टी बनेगी सॉइल का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे वो ग्रेन्यूल जो बनेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी जो है सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा बारिश जब होगी बारिश होने के बाद उसका जो है उसके अंदर पानी का जो एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इस प्रकार की जो सॉइल जिसके अंदर की वॉटर की क्या होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल बताया था मैंने एलोविलियन सोइल तो जितना फाइन ग्रेन होगा जितना ज्यादा लाइकिन एक्टिविटी करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर क्या होगा ग्रास वगैरह आना और जैसे अंदर आना लाइफ शुरू हो जाएगा ग्रास वगैरह आएगी उसकी जो है सर्फेस एरिया और बढ़ेगा तो उसके अंदर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर जो ग्रासेस के बाद ट्रीज आएंगे और अल्टीमेटली एक ऐसी कम्युनिटी आ जाएगी जो ज़्यादा एडेप्टेड होता है इसको हम फिर से रिलेटेड करते हैं कि जैसे ऐसे कम्युनिटी जैसे ऐसे पानी से जोड़ते हैं सबसे पहले बार थैलोफाइड आए थे जो कि पानी के अंदर रहते थे उसके बाद जो है ब्रायोफाइट आए ब्रायोफाइट जो थे वो पानी और ज़मीन दोनों पर डिपेंडेंट थे उसके बाद टेरिडोफाइट आए टेरिडोफाइट जो है अपनी से, सेक्सुअल साइकिल चलाने के लिए थोड़े से जो है वेस्कुलर बने और उसके बाद जो है जिम्नोस्पम आए जिम्नोस्पम का जो सीड जो था सीड वो जो है कोटेड नहीं था और सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स एडवांस जो है एनजीओ तो एक सक्सेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि पायोनियर स्टेज से एडवांस स्टेज पर कम्युनिटी ट्रांसफर होती है सुनिए फिर से एक सक्सेशन का प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें कि एक बियरलैंड में या फिर एक खाली जगह में एक पायोनियर स्टेज से एडवांस स्टेज तक कम्युनिटी का ट्रांसफर उसको हम सक्सेशन कहते हैं ठीक है ना डेफिनेशन को ना बहुत अगर आप जितना तोड़ोगे उतना आसानी से वो याद हो जाती है ठीक है उसके बाद हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं ठीक है ना तो बायोडायवर्सिटी को अगर हम बात करें तो जितनी भी लाइफ है जितनी भी लाइफ है इंक्लूडिंग प्लांट और प्लांट के साथ प्लांट से लेके डम्पोजर तक जितनी भी प्रकार की लाइफ है ठीक है ना तो प्लांट है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डीकम्पोजर है और हर्बी वोरस है तो जितनी भी वैरायटी रहती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ठीक है ना तो डायवर्सिटी ऑफ लाइफ ठीक है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा रहती है जितना ज्यादा जो है फैलाव रहता है उस इकोसिस्टम इको इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है फर्ज कीजिए कि एक जंगल के अंदर धीरे धीरे सारी स्पीशीज खत्म होना शुरू हो गई शेर है वहां पे चीतल खत्म हो गए बहुत से अलग अलग जानवर सब खत्म हो गए अब सिर्फ लास्ट में आते हैं शेर रहे हैं ठीक है ना और वहाँ पे भैंस रहे जंगली भैंस रहे हैं तो जैसे ही भैंस जाएंगे उसके बाद शेर भी जो है खत्म हो जाएंगे क्यों क्योंकि सारी कम्युनिटी जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और एक कम्युनिटी के जाने की वजह से दूसरा कम्युनिटी जब उस पर इफेक्ट पड़ता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब दूसरी कम्युनिटी भी खत्म हो जाती है तो इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन ठीक है ना को एक्सटिंकन का मतलब समझिए कि जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो एक के जाने पर दूसरा चला ही जाएगा ठीक है ना तो ऐसी कम्युनिटी तो सॉरी जितनी भी डायवर्सिटी होती है जितनी एक एरिया के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वो एरिया जो है या फिर वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा ठीक है ना तो आप बायोडाइवर्सिटी जो है उसका बेसिक हमने देखा कि क्या होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अब देखेंगे लेवल ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी कहाँ कौन से कौन से लेवल पे होता है कि सबसे पहले जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी देखते हैं कि जीन लेवल पे बायोडाइवर्सिटी ठीक है ना तो अगर जीन लेवल पे और ज़्यादा अच्छे से समझने की बात करें तो हम सबसे पहले इंसान को लेंगे कि इंसान की बॉडी के अंदर जो है <coughs> जो जीन होती है वो जीन का जो है ट्रांसलेशन होने के बाद प्रो आर बनता है और आर बनने के बाद उसका सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के बाद आर बनता है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के द्वारा उसका प्रोटीन बनता है अब देखिए जो प्रोटीन बनता है तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग काम करने के लिए डिफ्रेंशिएट होते हैं

जब ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो बीमारियाँ जो है वहाँ पे नहीं अडप्ट कर पाती ठीक है ना तो स्पीशीज़ के लोप होने के चांसेस कम होते हैं ठीक है ना और उसके बाद इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी अलग अलग पॉपुलेशन जब रहता है तो पूरा इकोसिस्टम के लेवल पे जो डाइवर्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो एक स्टेबिलिटी की ओर जब जाते हैं ठीक है ना तो डाइवर्सिटी होना उस इको को जो है संरक्षण करने की बात की है पीपीटी के अंदर यही लिखा गया है आप लोग जस्ट रीड कर दीजिएगा ठीक है ना और न भी करें तो बस जो सुना है वो तो काफ़ी है ये ठीक है ना अब वर्टिब्रेट की होती है डाइवर्सिटी प्लांट की होती है नॉन वर्टिपरेट की होती है आप जितनी भी जितनी भी ज़्यादा सोच पाए जितने भी प्रकार की भिन्न भिन्नता ठीक है ना इवन इंडिया के अंदर बोलते हैं ना इंडिया की जो डाइवर्सिटी उसका एक थॉस है डाइवर्सिटी के अंदर क्या बैलेंस है पूरा देश का ठीक है ना तो, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी पावर है इतने भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर एक दूसरे के हमको जो है कनेक्ट भी करते हैं और हमको जो है मोटिवेट भी करते हैं ठीक है ना उसके बाद इंडियन की जो बायो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि इंडिया डिस्प्ले सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी कैसे कि इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं जहाँ पे जो है 12.6 परसेंट एवियन इन वर्ल्ड की जो है अलग अलग प्रकार की जो पक्षियाँ मिलते हैं उसके बाद 6.2 परसेंट रेप्टाइल रेप्टाइल को हम जोड़े सांप वगैरह की जो है उनको रेप्टाइल बोलते हैं उसके बाद एम्फीबियन 4.4 बी परसेंट एलेवन परसेंट जितनी भी वर्ल्ड की जो फिशेज होती है उनका टाइप इंडिया में मिलता है और 6.0 परसेंट जो है जितने भी फ्लोवरिक प्लांट हैं वो मिलते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डाइवर्स पार्ट है अब देखिए उस डाइवर्सिटी को जो है अगर हम कलमिनेट करें या फिर मोटे मोटे तौर पर देखें तो वर्ल्ड को जो है मेगा डाइवर्सिटी के रूप में जो है डिवाइड किया गया है तो वर्ल्ड की जो है जितनी भी जिस देश में या फिर जिस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उसके बेसिस पर वर्ल्ड को जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ठीक है ना इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है ना तो एक इनिशिएटिव हुआ था जिसको कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पूछ अक्सर जोड़ा जाता है ठीक है ना अब सवाल यही था कि कैन कैनकम इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है बहुत सिंपल क्वेश्चन था देखिए आप थोड़ा सा भी देखा है तो बता क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं हमको बस एक बार देखना उसको जरूरी है ठीक है ना अब सीधा क्वेश्चन था बिच कि कैन कम इज रिलेटेड टू सीधी सी बात है बायोडावर्सिटी से रिलेटेड था ठीक है ना कुछ भी नहीं था उसके अंदर कि वर्ल्ड के अलग अलग देश मिले ठीक है ना ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्री जितनी भी इकट्ठी हुई ठीक है जिसके अंदर ब्राज़ील चाइना इंडिया साउथ अफ्रीका इतने देशों थे उनके अंदर मिलकर उन्होंने जो है बोला कि हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और जितनी भी नॉलेज इससे हमको मिलती है वो शेयर करनी है क्वेश्चन बस ये क्वेंकन इनिवर्सिटी जो है मिक्स मिक्सन मैं जो पूछा था कि कैंकन इनिशियेटिव किस से रिलेटेड है बस बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है इतना बस आप थोड़ा इसके अंदर देख लीजिएगा उसके अंदर मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो फर्स्ट इनिशिएटिव शुरू किया था ठीक है ना अब आने वाली क्लास में अगली क्लास में वैसे भी हम कन्वेंशन उसी की ओर जा रहे हैं ठीक है ना तो बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पॉल्यूशन को कम करना एनवायरमेंट को जो है मेंटेन करना क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है हम वो कैसे जो जो अपने आप को जो है मिटिगेट करना क्लाइमेट चेंज को एडेप्ट कैसे होना ये सारे इनिशिएटिव जो है अलग अलग कन्वेंशन के रूप में लिए जाते हैं ठीक है ना तो अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का जो हॉटस्पॉट अब देखिए हॉटस्पॉट अक्सर पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट क्या होता है अब अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रखे होते हैं तो अक्सर दिमाग में कन्फ्यूजन ही होता है हॉट स्पॉट यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो क्या कहते हैं कि लेकिन नहीं उस हॉट स्पॉट को जो है उसको आ, क्या कहते हैं परिभाषित करने का या फिर उसको डिफाइन करने का जो लॉजिक ये है कि एक स्पेसिफिक एंडेमिक जो स्पीसीज जो एंडेमिक होती है ठीक है ना कि कुछ स्पीसीज एक एक स्पेसिफिक जगह पर ही मिलती है तो अगर वो जगह में मिलने वाली स्पीशीज धीरे धीरे अगर कम हो रही है तो उनको अगर उनको ध्यान में रखते हुए बायोडाइवर्सिटी से उसको अटैच कर दिया जाए उस जगह को तो उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट ठीक है अब ऐसे देखें अब बायोडाइवर्सिटी बायो बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ बायोडावर्सिटी सिग्निफिकेंट यानी कि एंडेमिक स्पीशीज एंडेमिक यानी कि कुछ स्पीशीज वहीं पे मिलती है और उनका भी जो है थ्रेट है ठीक है ना तो अगर नॉर्मल मायर्स की बात करें कि उसने विश्व में जो है ट्वेंटी फाइव हॉटस्पॉट को रिकॉग्नाइज किया था तो अब देखिए इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं ये आप लोगों का होमवर्क है ठीक है तीन से चार ही है तो ये आपको याद होने चाहिए ठीक है ना उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज बहुत कम है तो पूछ भी लिया जाते हैं तो क्या गुजरात उस हॉटस्पॉट में आता है ठीक है अब इसका जो आ, कौन सा क्वालिफिकेशन है जिसमें कि उसको जो हॉटस्पॉट के अंदर कंसीडर किया जाएगा सबसे पहले टू क्वालिफाई एरिया टू बिकम स्पॉट उसके दो ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सबसे पहले एंडेमिज्म एंडेमिज्म का मतलब एंडेमिक होना यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज वहीं पे मिलती है ठीक है जैसे कि कल हमने नीलगिरी थार की बात की तो नीलगिरी थार जो है मैंने आपको बताया था कि इराविकुलम नेशनल पार्क जो है या फिर नीलगिरी जो बायो रिजर्व है वहीं पे मिलता है बहुत सी स्पीशीज जो है गोल्डन लंगूर जो है वेस्टर्न घाट की एंडेमिक है यानी कि वो वहीं पर मिलती है ठीक है ना तो सबसे पहला उसका क्राइटेरिया है एंडेमिज्म यानी कि बहुत सारी स्पीशीज जो है इट मस्ट कंसिडर एटलीस्ट फिफ्टीन हंड्रेड स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट यानी कि प्लांट की फिफ्टीन हंड्रेड वेस्कुलर प्लांट की जो है एंडेमिक स्पीशीज वहां पे मिलती हो ठीक है ना यानी कि मोर देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड टोटल ठीक है ना तो वर्ल्ड की टोटल जितनी भी वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज है उसके जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और वो भी एंडेमिक हो पहली तो वहां पे वो मिलनी चाहिए उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है लॉस ऑफ हैबिटेट इट हैज हैव एटलीस्ट नॉट सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस ओरिजिनल हैबिटेट ठीक है ना तो जितना भी हैबिटेट था उस स्पीशीज का उसका सेवेंटी परसेंट वो लॉस कर चुकी हो अब यहाँ पे आते आते बस थर्टी परसेंट वो सब सिमट गई हो तो उसको जो है हम जो है हॉट स्पॉट जो उस एरिया को कंसिडर करेंगे ये दो ही उसकी जो है शर्तें हैं अब है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी क्या क्या हो सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल कॉज एंथ्रोपोजेनिक जो जो मानव के द्वारा की गई करतूतें हैं उनके द्वारा जो है बायो यानी कि लाइफ यानी कि स्पीशीज उन सब का जो खतरा है ठीक है ना उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक और उसके अंदर लॉस ऑफ हैबिटाट पेड़ काट दिए जंगल काट दिए तो सीधी सी बातें शेयर कर आएंगे घर पर आएंगे हमारे ठीक है ना पोचिंग मार दिए उनको उसके बाद मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है ना अगर किसी जो है तेंदुओ ने किसी पर शिकार कर दिया तो नेक्स्ट तो स्टेप में यही होगा किसी भी हालत में उस तेंदुओ को मारना है ठीक है ना हमारी प्रवृत्ति जो है बदला लेने की है और जानवरों को मारने में तो अलग ही प्रकार का मजा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक वेराइटी ठीक है ना अब जरूरत नहीं थी मुझे जो है कांग्रेस ग्रास की ग्रो करने की ठीक है ना जरूरत नहीं थी मुझे बाहर की स्पीशीज लाने की लेकिन मुझे शौक चढ़ गया कि जो है अमेरिका घूमने गए तो यहाँ से कबूतर ले जाते हैं इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या उस इन्वायरमेंट के प्रति वो जो है एडप्ट है पता चला कि यहाँ पे आगे कबूतर ही कबूतर ग्रो कर रहे हैं और यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज है उन्हीं को मार दिया ठीक है ना तो इनको एलियन स्पीशीज बोलते हैं और जो दूसरी जगह जाके वहाँ की जो नेटिव स्पीशी उनको ख़त्म कर देती है

धीरे धीरे वो कुछ स्पेशी अपने आप मर जाएंगी उसके बाद लो पॉपुलेशन पॉपुलेशन ठीक है ना अगर कोई पॉपुलेशन कम है तो भी मर जाएंगी वो उसके बाद लो ब्रीडिंग रेट आपस में ब्रीडिंग कम कर रही है नेचुरल डिजास्टर आग लग रही है ठीक है ना को एक्सटेंक्शन को एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है देखा है को एक्सटेंक्शन मतलब जब एक दूसरे पे कोई स्पीशी डिपेंडेंट हो तो एक के जाने की वजह से दूसरी भी चली जाएगी ठीक है ना अगर पेड़ कटेंगे तो जंगल जाएंगे जंगल जाएंगे तो चीतल मरेंगे चीतल मरेंगे तो बहुत सारे उस पर डिपेंडेंट रहेंगे डियर मरेंगे डियर मरेंगे अल्टीमेटली जो शेर जो है वो भी बच नहीं पाएंगे उनका भी मरना हैं और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट जो है ह्यूमन का मरना रहा तो तय ही है ठीक है ना तो इको सिस्टम से ज्यादा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कौन होता है अब देखिए अब ये जितना भी एक्सटेंशन हो रहा है और जितनी भी स्पीशीज जो है वो खत्म हो रही है जितनी भी स्पीशीज का जो एक्सटेंशन थ्रेट में आ रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए और उसको जो है बचाने की जो इनिशिएटिव के थ्रू हमारा जो आई ने एक इनिशिएटिव किया कि भाई एटलीस्ट डॉक्यूमेंट तो करो कि कौन कौन सी स्पीशीज खत्म हो रही है या फिर तो कौन सी स्पीशीज जा चुकी है कौन सी स्पीशीज जाने वाली है कौन सी स्पीशीज ऐसी है कि थोड़ा कोशिश करेंगे तो बच जाएगी ठीक है ना तो उनको अलग अलग कैटेगरी में जो है आई ने जो उनको डिवाइड किया आयू एक संस्था है जो रेड रेड डेटा बुक जो है रिलीज करती है उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं ठीक है ना उनका पूरा डेटा रखती है ठीक है ना तो उसके अंदर कैटेगराइज करती है तो कैटेगरी कौन कौन सी है वो थोड़ी हम देख लेते हैं आप लोगों का होमवर्क थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूँ कि जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ उस कैटेगरी का मतलब क्या होता है मैंने आपको थोड़ा बताना है आपने बस उसके बारे में थोड़ा सा जो है गूगल के अंदर देख लेना ठीक है ना तो अगर हम बात करें तो कैटेगरी जो है इसने डिवाइड की है कि सबसे पहले तो ये क्या करती है कि डेटा जितनी भी स्पीशीज है तो क्या सबका डेटा उसके पास है नहीं तो बहुत सा डेटा तो उसके पास नहीं है तो इवेल्यूएट किया नहीं ठीक है ना उसके बाद जो है इवेल्यूएट जो किया है उसका जो पहला का डेटा है डेटा इनअफिशियंट है कि अब इतने से डेटेस हमको जो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते अब दो कैटेगरी तो बाहर आ गई तीसरी कैटेगरी में आता है जिनका डेटा हमारे पास इनफ है और अब उनको डिवाइड कर सकते हैं तो जिनको डिवाइड किया तो कुछ स्पीसी ऐसी आई जो लीस्ट कंसर्न है कि ये जो है बहुत मात्रा में है इसके बारे में हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ ये है कि अब जो बॉर्डर पे आ गई अब और खाएंगे उनको और और उनका दोहन करेंगे तो ये ये भी जो है खतरे में आ जाएंगी उसके बाद है अब वर्नरेबल खतरे में आ चुकी है एंड ज्यादा खतरे में आ गई क्रिटिकली बहुत ज्यादा खतरे में आ गई और, और उंगली की तो जो है या फिर और परेशान किया तो जो है अल्टीमेटली जो खत्म हो जाएगी उसके बाद एक्सटिंग इन वाइल्ड यानी कि एक्सटिंग इन वाइल्ड यानी कि अब ये सिर्फ किसी जूलॉजिकल पार्क या फिर किसी जू के अंदर ही मिल रही है ठीक है ना आपका होमवर्क ये है कि नॉर्थ ईस्ट के असम के अंदर मिलने वाला एक कछुआ है जो कि सिर्फ उस किसी मंदिर के अंदर ही मिल रहा है ध्यान से सुनिए ये थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं सर्च अगर कर पाए अगर आपके पास टाइम हो तो नहीं पूछेंगे इट्स ओके तो कुछ कछुए हैं जो सिर्फ मंदिर के अंदर मिल रहे हैं ठीक है ना तो कौन सा कछुआ है आप लोग तो थोड़ा देखिए और कुछ है एक्सटिंक्ट यानी कि वो पूरी धरती से गायब हो चुकी है ठीक है ना तो जो डेटा अवेलेबल है उसके अंदर जो है एक दो तीन चार पाँच छः छह कैटेगरी डिवाइड की गई लीस्ट कंसर्न उसके बाद नियर थ्रेटन वलरेबल एंड क्रिटिकली एंड क्रिटिकली क्रिटिकली का मतलब क्या होता है बस ये स्पेसिफिक इतनी है उसके बाद जो है अब कुछ कुछ क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज जो है वो उनको याद होनी चाहिए मैं आपको इतना बता दूँ कि एंडेंजर्ड वगैरह जो है वो एग्जाम में कम ही पूछे लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज जो है आपका होमवर्क यह है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज है एनिमल की और प्लांट की आप लोग प्लीज उसको एग्जाम में देख के जाइएगा पक्का पूछता है अच्छा साथ साथ में रिसेंट में जो स्पीशीज टाइगर लॉयन चीता ये जितने भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका स्टेटस क्या है ये आपको पता होना चाहिए विश यू ऑल दी बेस्ट अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे जितने भी कन्वेंशन है प्रोटेक्शन के लिए जितने भी कन्वेंशन है पॉल्यूशन को रोकने के लिए जितने भी कन्वेंशन है इंडिया के द्वारा लिए गए उसको साइन किए गए और कौन कौन से लॉज जो है इंडिया में बनाए गए उनको प्रोटेक्ट करेंगे अलग अलग स्पीशीज को उसके उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है अगली क्लास के अंदर जो है हम उसको वाइंड अप कर देंगे ठीक है ना आप लोगों को टेस्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और पी जो है आप लोगों को ज़्यादा समाचार हूँ वैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दी थी कुछ टेक्निकल एरर थी आप लोगों को पी पी भी है वो बहुत जल्दी आज के लेक्चर के बाद मुझे आ, यकीन है कि आप लोगों को पी जो है टेलीग्राम के चैनल के अंदर मिल जाएंगे विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच अगली क्लास में मिलते हैं उसके अंदर हम बाइंड अप कर देंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच